by December of 2024, Vande Bharat train will come to Raipur. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णवले सेवोक रम्फू रेलवे परियोजना सञ्चालनमा आएपछि वन्दे भारत रेल दिसम्बर 2024 सम्ममा सिक्किम पुग्ने बताएका छन्। गान्तोकको सम्मान भवनमा सोमबार बिहान आयोजित एउटा कार्यक्रममा बोल्दै रेल मन्त्री वैष्णवले सुरुङ र पुलहरूको कारणले उत्तर बंगालको सेवोक टर्मिनलदेखि रम्फूसम्मको सिक्किम रेलवे परियोजना निकै कठिन परियोजना भए तापनि यस परियोजनाले राम्रोसँग प्रगति गरिरहेको बताए। सिक्किमका जनताप्रति हाम्रो प्रतिबद्धता छ भन्दै तिनले दिसम्बर 2024 सम्ममा वन्दे भारत रेल रम्फू पुग्ने बताएका छन्। स्पेसिफिकली टु सिक्किम फ्रेंड्स, जो पहला प्रोजेक्ट है हमारा, आई नो आप सबके मन में एक खुशी भी है और एक्सपेक्टेशन भी है। पहला प्रोजेक्ट हमारा शिवोक से रायपुर, शिवोक से रायपुर प्रोग्रेसिंग वेरी वेल, वेरी डिफिकल्ट प्रोजेक्ट बट स्टिल इट इज प्रोग्रेसिंग वेरी वेल। यस्टरडे आई सॉ द टनल, आई सॉ द टनल नंबर वन एंड आई ऑल्सो सॉ द ब्रिजेस विच आर गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। द कमिटमेंट टू द पीपल ऑफ सिक्किम इज बाय डिसंबर ऑफ 2024 वंदे भारत ट्रेन विल कम टू रायपुर। आइलिड क्रीज क्रिएशन और डबल आइलिड सर्जरी और अपर आइलिड ब्लेफरोप्लास्टी, या आप बोल सकते हैं मंगोलियन आइलिड सर्जरी या एशियन आइलिड ब्लेफरोप्लास्टी, ये सब जो टर्म है एक ही टर्म है। आप सिंपली इसको बोल सकते हैं कि जो अपर आईलिड है उसमें अगर आपके क्रीज नहीं है तो हम लोग इस क्रीज को क्रिएट कर सकते हैं। इसी प्रोसीजर को हम लोग डबल आईलिड सर्जरी या एशियन आईलिड ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं। ये जनरली आप देखेंगे जो हमारे जो मंगोलियन फेसेस हैं में, जैसे कि जो पहाड़ों पर रहने वाले लोग अपने दार्जिलिंग और सिक्किम और नेपाल के लोग हैं या इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोग हैं, उनके जो अपर आईलिड है उस पर क्रीजेज नहीं होते हैं। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूँ एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है जिसके द्वारा कि हम ये क्रीज क्रिएट करते हैं, आपकी जो फेस है उसका जो ब्यूटी है उसको हम लोग इन्हांस कर सकते हैं। आईलिड सर्जरी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है, डे केयर प्रोसीजर में हो जाता है, बहुत ही लो कॉस्ट में हम लोग यहाँ पे करते हैं और कॉम्प्लिकेशन के चांसेस मिनिमम है और आप रूटीन एक्टिविटी सेकेंड डे से ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक छोटी सी सर्जरी से अपने चेहरे का जो ब्यूटी है या जो पेरी ऑर्बिटल रीजन, जो आईज की जो ब्यूटी है उसको आप इन्हांस कर सकते हैं। मैं आपको अपने कुछ रिजल्ट्स के बारे में दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं इसमें जो पहले का जो फेस है, जस्ट यू कैन सी, ये पहले का फेस है और ये बाद का फेस है, दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे। जस्ट सिर्फ और सिर्फ हमने आईलिड सर्जरी इसमें की है। तो आईलिड सर्जरी करने के बाद जो फेस का जो डलनेस या जो हैवीनेस दिखता है पहले, वो खत्म हो जाता है। मींस आप मोर यूथफुल और मोर यंग दिखना शुरू होते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है यह सर्जरी कराने में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।